आज की बुक समरी है द रूल्स ऑफ लाइफ, जिसे लिखा है रिचर्ड टेम्पलर ने। रिचर्ड टेम्पलर रिचर्ड क्रेस का पेन नेम मतलब कि काल्पनिक नाम है। उन्होंने कई सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स लिखी हैं। रिचर्ड ने एक ऐसी बुक सीरीज पब्लिश की है जिसमें प्रोफेशनली और पर्सनली कामयाब होने के लिए 100 रूल्स बताए हैं, 100 रूल्स। यस, उनकी बुक्स जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को कवर करती है जिसमें पेरेंटिंग, प्यार और पैसा शामिल है। उनकी बुक्स को दुनिया भर में पसंद किया जाता है क्योंकि उनके लिखने का अंदाज कुछ ऐसा है जो सीधे साधे शब्दों में और बड़ी आसानी से अपनी बात समझा देता है। तो आइए हम भी समझदार बने, जिंदगी को काटे नहीं। झूठ बोलने के लिए ये नहीं कहें कि हाँ लाइफ अच्छी चल रही है, जब कहें तो वो सच में मीन करता हो। ऐसी जिंदगी बनाने के लिए आइए शुरू करते हैं आज की बुक समरी द रूल्स ऑफ लाइफ। क्या आपकी जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है और आपके रिश्ते बिखरने लगे हैं? क्या आपने उन सभी चीजों में खुशी खो दी है जो आप करते हैं? और क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अब सब गड़बड़ हो रहा है? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये समरी आपके कंपस को ठीक करेगी और जिंदगी के बिखरे हुए हिस्सों को बैलेंस कर खुशी की ओर ले जाने में आपकी मदद करेगी। क्या आप अपनी प्रोग्रेस दिखाकर अपनी कोशिशों के लिए वैलिडेशन चाहते हैं? जब आप कोई गलती करते हैं तो क्या आपको खुद पर शर्म आती है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि माफी मांगने से आपने अपनी इज्जत खो दी है? क्या आपको अपने पेरेंट्स और भाई बहनों से बात किए काफी समय हो गया है? जब बच्चे नई एक्टिविटीज ट्राई करना चाहते हैं तो आप उन्हें कैसे इनकरेज करते हैं? क्यों बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज करना आपको डिप्रेस्ड महसूस कराता है? हम इन समरी में इन सभी टॉपिक्स के साथ साथ और भी कई चीजें डिस्कस करेंगे। ये समरी आपको खुद के साथ और अपने करीबी लोगों के साथ रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए एक गाइड की तरह काम करेगी। इन रूल्स को फॉलो करना आपकी जिंदगी में तालमेल लेकर आएगा। ये आपको एक बेहतर पेरेंट, लाइफ पार्टनर, भाई या बहन, दोस्त, कलीग और आमतौर पर एक अच्छा इंसान बनने में मदद करेगी। तो आइए इस कंस्ट्रक्टिव लर्निंग जर्नी की तरफ शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर से। कीप इट अंडर योर हैट। जब आप अपनी जिंदगी के किसी एरिया को बदल रहे होते हैं तब आप चाहते हैं कि लोगों को यह पता चले कि आपकी जिंदगी सही रास्ते पर जा रही है। आप पॉजिटिविटी, हेल्दी माइंडसेट और सक्सेस के आर्ट के दरवाजे खोल रहे होते हैं। आपकी अपनी प्रोग्रेस को दिखाने की इच्छा और ये दिखाने की इच्छा कि मैं अपनी जिंदगी में कितनी मेहनत कर रहा हूं, आपके एटीट्यूड में झलकती है। लेकिन लोगों को अपनी सक्सेस के बारे में क्यों बताना? खुद पर चुपचाप काम कीजिए और इसे छुपा कर रखिए। हमें दूसरों के साथ अपने सफर के बारे में शेयर करने की एक नेचुरल इच्छा होती है, लेकिन बातों से ज्यादा एक्शन पावरफुल होते हैं। तो अपनी प्रोग्रेस को खुद सामने आने दीजिए। इंसान आमतौर पर दूसरों की ग्रोथ में इंटरेस्टेड नहीं होता है। अगर कोई दिखावा करता है तो हम उसे नजरअंदाज करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो हमें लेक्चर दे रहा है। जैसे सिगरेट पीने वालों से आपकी दोस्ती है और आप कभी खुद भी सिगरेट पीते थे, मगर आपने ज्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने का फैसला किया और सिगरेट पीना छोड़ दिया। अचानक आप अपने सिगरेट पीने वाले दोस्तों के सामने सिगरेट पीने के साइड इफेक्ट गिनाना चाहते हैं। यहां प्रॉब्लम यह है कि वो आपका विरोध करेंगे क्योंकि वो मेंटल रूप से इस बदलाव के लिए तैयार नहीं है। वो आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखेंगे जो हमेशा खुद को सही मानता है। इसीलिए अपने प्लान और जिंदगी को बदलने वाले प्रिंसिपल्स के बारे में बात मत कीजिए। दूसरे लोगों को बदलने और उन्हें अपने साथ जोड़ने की कोशिश मत कीजिए। अपनी जिंदगी को लेकर आपके एटीट्यूड में जो बदलाव आया है, आप उससे खुशी महसूस करेंगे और ये खुशी आपके चेहरे और व्यवहार में दिखेगी। लोग आपसे पूछेंगे कि इस बदलाव के लिए आपने क्या किया है या कौन सी आदतें अपनाई हैं। वहां पर अपनी टेक्निक्स की कहानी बांटने के बजाय आप बस ये कह सकते हैं कि दिन अच्छा होने के कारण आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। लोग सच में आपकी मुश्किलें या सफर के बारे में नहीं जानना चाहते। जब वो आपसे पूछते हैं कि आप कैसे हैं, तो वो आपसे एक सिंपल सा जवाब जैसे मैं ठीक हूं यही सुनना चाहते हैं। और ये सवाल सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, लोग इसके लिए लंबा चौड़ा जवाब नहीं सुनना चाहते हैं। आपका लंबा चौड़ा जवाब उन्हें आपके प्रति जिम्मेदार होने का एहसास देगा और लोग इस तरह इन्वॉल्व होने के लिए तैयार नहीं हैं। वो सिर्फ रिजल्ट जानना चाहते हैं। आप भले ही प्रोग्रेस कर रहे हो या आपने कुछ हासिल कर लिया हो, लेकिन आप जो कर रहे हैं उसके बारे में चुप रहिए।
हो सकता है कि आप खुद को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को या लाइफ के किसी भी हिस्से को इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहे हों, तो अपना डेवलपमेंट करना कंटिन्यू रखिए और दूसरों को कुछ भी बताए बिना नॉर्मल जिंदगी जीते रहिए। हर कोई अपनी जिंदगी के सफर में अलग अलग दौर से गुजर रहा होता है। लोगों का सफर और उनकी रुकावटें अलग अलग हैं। हो सकता है कि आप इम्प्रूवमेंट के 10वें लेवल पर हों और कोई पहले लेवल पर। अपने प्रोग्रेस के बारे में दिखावा करना या दूसरों को मोटिवेट करना आपका काम नहीं है। अगर आपने अपने जीने का तरीका बदला है तो ये सिर्फ आपका अपना मैटर है। आपका ग्रोथ प्राइवेट मैटर होना चाहिए, लोगों की बातचीत का हिस्सा नहीं। नेक्स्ट चैप्टर है, यू विल गेट ओल्डर बट नॉट नेसेसरीली वाइजर। मूवीज में अक्सर दादी नानी फिल्म के मेन कैरेक्टर को जिंदगी का बहुत कीमती सबक देती है और उनकी जिंदगी अपने आप रास्ते पर आ जाती है। मूवीज में ऐसा बहुत ही कम होता है जब कोई नौजवान जिंदगी को बदल देने वाला एक्सपीरियंस या सबक शेयर करता है। ज्यादातर लोगों का यही मानना होता है कि बुजुर्ग लोग ज्यादा समझदार होते हैं, मगर ये हमेशा सच नहीं होता। हम जिंदगी भर बेवकूफ की तरह गलतियां करते रहते हैं। हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, इसलिए हम हमेशा एक जैसी गलतियां नहीं करते, मगर जिंदगी में हमेशा नई सिचुएशन आती रहती है। खुद के गलत फैसले के लिए खुद को कोसने के बजाय हमें ये मान लेना चाहिए कि गलतियां करना नॉर्मल है। खुद के प्रति दयालु बनिए और समझिए कि गलतियां करना और अपने एक्सपीरियंस से सीखना बड़े होने का हिस्सा है। ये मान लीजिए कि आप बड़े होते हुए और ज्यादा गलतियां करेंगे। आप ऐसी सिचुएशन में फंसेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नई होंगी और उनसे डील करने के लिए आपके पास कोई तरीका भी नहीं होगा। ऐसे में आप हड़बड़ी में गलत फैसले ले सकते हैं, ज्यादा सोच सकते हैं और ओवर रिएक्ट करके सिचुएशन को खराब तरीके से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन आपको खुद को एक्सप्लोर करने और नए एडवेंचर से सीखने की आजादी देनी होगी। इसी तरह आप जिंदगी में नए रास्ते खोज पाएंगे। अपनी गलतियों को मानकर उन्हें स्वीकार कीजिए और मन में ठान लीजिए कि आप ये गलतियां नहीं दोहराएंगे। फिर अपने मन की शांति और सुकून के लिए आगे बढ़ जाइए। आप दुनिया में इकलौते इंसान नहीं है जो चीजें गलत कर रहे हैं। हर कोई कई गलत फैसले लेता है। आपकी हीलिंग का सफर तब शुरू होता है जब आप खुद को और दूसरों को माफ करते हैं। याद रखिए कि एक्सेप्ट करने का ये रूल हर किसी पर अप्लाई होता है। उम्र बढ़ने की एक अच्छी बात यह होती है कि आप बड़े होने के साथ साथ गलतियां कम करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने पहले की हुई गलतियों से सीखकर जिंदगी के एक्सपीरियंस का काफी नॉलेज हासिल कर लिया है। इसलिए जिंदगी की शुरुआत में आप जितनी ज्यादा गलतियां करेंगे, आगे चलकर आपसे गलतियां उतनी ही कम होंगी। इसीलिए जवानी बहुत कीमती समय होता है। उस समय आपके ऊपर लाइफ पार्टनर या